हेलो दोस्तों, मैं बना रही हूँ मंचूरियन। मैंने इसमें गोभी और गाजर को कद्दूकस करके रख लिया है। इसको निचोड़ के फिर मैंने इसमें एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला, एक चम्मच मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला इसमें, फिर लाल मिर्च पाउडर डाला थोड़ा सा, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद मैंने डाला इसमें मैदा। मैदा डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैदा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स होने के बाद इसकी छोटी छोटी हम बॉल बनाएंगे। इसको मिक्स करा जा रहा है अभी, फिर इसको हम छोटी छोटी बॉल बनाएंगे। इसकी छोटी छोटी बॉल बनाने के बाद इसको हम तेल रख देंगे गर्म होने के लिए, फिर इसको तेल में तला जाएगा। छोटी छोटी बॉल हमने बना ली हैं, इसको हम तेल में डाल लें। अभी गरम गरम तेल में अच्छे से इसको धीमी आंच में अच्छे से भून लिया जाएगा। तेल में तलने के बाद इसको तेल में अच्छे से तला जा रहा है। ये तलने के बाद इसको प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसकी छोटी छोटी बॉल बना के हमने इसको तोड़ के दिखा दिया, तो अंदर अच्छे से पक चुका है ये। उसके बाद तेल गर्म होने के लिए डाल दिया था, इसमें मैंने अदरक और क्या कहते हैं हरी मिर्चा लहसुन डाल दिया। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें एक चम्मच चिली सॉस और एक चम्मच सोया सॉस। उसके बाद इसमें एक चम्मच हम डालेंगे सिरका, फिर डालेंगे हम टोमेटो सॉस एक चम्मच इसमें। अच्छे से सब डालने के बाद इसको मिक्स करा जाएगा, फिर इसको अच्छे से थोड़ी देर गैस में पका लेंगे। अब एक चम्मच मैंने इसमें मैदा डाल के घोल दिया है, मैदे का घोल को इसमें डालेंगे हम। बस इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद हमने ग्रेवी को अच्छे से होने दिया था। उसके बाद हमने जो छोटी छोटी बॉल बनाई थी वो हमने इसमें डाल दिए। बस अब इसको थोड़ी देर इसमें पकने देंगे अच्छे से, और ये हमारा मंचूरियन तैयार हो गया। बहुत आसान तरीके से हम मंचूरियन घर पे बना सकते हैं। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया हमने इस पे, बस गरम गरम मंचूरियन तैयार। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।